Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम शाहिद अजीज साहब का जो कि अहमदी जमात लाहौरी फिर के एक सरगर्म कारकुन हैं और आज का टॉपिक है मलाइका कॉन्सेप्ट ऑफ मलाइका तो आइए मोहतरम शाहिद अजीज साहब वेलकम खुश आमदीद शुक्रिया अस्सलामुअलैकुम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर अपने कुछ ख्याल जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो इस सिलसिले में मैं जमात अहमदिया जो है इसकी एक खसूसियत का पहले आपसे जिक्र कर दूं और उसके बाद उसका ताल्लुक मलाइका और बहुत सारे दीगर जो हैं चीज़ें उनके साथ है और ये जमात अहमदिया जो है इसमें मखसूस है ये चीज़ हज़रत मसीह सलाम जो थे हज़रत माम अहमद साहिब का दिया दयानी उनका अकीदा था कि हज़रत मसीह जो हैं वो बिन बाप हैं लेकिन उनकी जमात में था था। मौलाना हजरत मौलाना नूरुद्दीन रहमत हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहिब रमत ख्वाजा कमाल साहिब ये लोग जो हैं ये कहते थे कि हज़रत ईसा जो हैं उनका बाप है तो इन लोगों में से एक थे कमरुद्दीन जेहलमी साहिब तो लोगों ने इनकी शिकायत की हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहिब से कि जनाब आप तो कहते हैं कि हज़रत ईसा बिन बाप हैं लेकिन ये कमरुद्दीन जहलमी जो है जमात अहमदिया का मेंबर ये कहता है हज़रत ईसा के वालद थे तो आप इनको डांटें या कोई सजा दें हज़रत साहब ने क़मरुद्दीन जेहलमी साहब को बुलाया और पूछा मैंने ये सुना है कि आप मानते हैं कि हज़रत मसीह के, मसी के वाल थे तो उन्होंने कहा जी मैं ये मेरा अकीदा है तो साहब ने कहा कि क्या आप इसकी वजूहत बता सकते हैं तो उन्होंने कमरुद्दीन जैलमी जेलमी साहब ने कहा कि जी कुरान में यहाँ ये लिखा है कुरान में वो वहाँ लिखा है कुरान में वहाँ लिखा है इस वजह से मेरा अकीदा है कि हज़रत मसीह के वालिद थे बाप थे वो बिन बाप नहीं थे जिसे ईसाइयों में इन इमेकुलेट कंसेप्शन कहते हैं तो हज़रत साहब ने कहा कि बहुत खूब और बात खत्म कर दी अब लोग बहुत हैरान हुए वो कहने लगे जनाब ये आपकी जमात का मेंबर, आपके अकीदे के खिलाफ इसका अकीदा तो आपने उसको कुछ कहा ही नहीं तो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने एक कमाल का जवाब दिया आपने फरमाया कि जो शख्स अपने अकीदे की बुनियाद कुरान पर रखता है उसे मैं क्या कहूँ <गाँ> तो हजरत साहब जो थे वो सिर्फ ये कहते थे कि आप अपने अकीदे की बुनियाद ये कह कर ना रखा करें कि साइंस ये कहती है इसलिए ये गलत है और वो यही चीज वो टेस्ट करना चाहते थे कमरुद्दीन जेहलमी के साथ इसलिए कि हजरत साहब फरमाते थे कि खुदा ने साइंस बनाई है साइंस खुदा को महदूद नहीं कर सकती तो इसीलिए वो कहते थे कि आप अपने अकायद जो हैं उनकी बुनियाद कुरान करीम पर भी रखें और वो जमात में अख्तलाफ जो है उसको टॉलरेट करते थे बर्दाश्त करते थे लोग उनके जो हैं जैसे मैंने ये अर्ज किया कि अकीदे के ख़िलाफ़ जो है वो को, कोई बात समझते थे तो अगर वो कुरान पर बेस्ड है तो हजरत साहब जो है वो उसको रद्द नहीं करते थे या उनको कोई सजा नहीं देते थे या जमात से खारिज नहीं कर देते थे बदकिस्मती ये हुई कि बाद में एक ऐसा तबका पैदा हो गया जो कहने लगा कि अपना हजरत साहब को तो छोड़ें जो एक गैर मामूर जो है उसकी बात से इख्लाफ करें वो भी ज़मात से ख़ारिज तो ये एक जमत का बहुत बड़ा बड़ािया है मैंने ये बात इसलिए कही कि बहुत सारी मेरी गुजारिशात जो होती हैं वो मुख्तलफ होती हैं अपना फर्ज़ कीजिए हज़रत मौलाना मोहम्मद अली साहब साबर ने जो बयानल कुरान में लिखा है या और बुजुर्गों ने जो है वो कहीं बयान किया है इसलिए कि हमें से किसी को ये इस नहीं कि हम हर आखर हैं हम तो सिर्फ ये अर्ज करते हैं कि जनाब हम तालिब इलम हैं और अपनी कोशिशों से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये सिर्फ हमारे साथ जो है ख़त्म ना हो जाए ज़ाया ना हो जाए ये हम आपके सामने जो है पेश कर रहे हैं आपके सा, साथ हम ये शेयर कर रहे हैं तो अगर आप जो है इसको एक्सेप्ट करते हैं ठीक है अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो वो भी ठीक है लेकिन ये हमारा अखज़ करदा नतीजा है तो यही वो चीज है जिसको आजरत सल्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में इख्तलाफ राय जो है ये इसके लिए भले का है यानी लोग जो है